आप लोगों से अपील करने के लिए 7 तारीख को जब मतदान हो, आप जनता पार्टी नाराज है और मान्य अटल बिहारी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। मंत्री जी का स्वागत करें। यूपी में शिवसेना भी लड़ रही है, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो क्या कोई गठबंधन को लेकर आप लोगों ने नई बैठक की थी बात? अलग अलग पार्टियों का अपना अपना फैसला है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया था कि जो जहां मजबूत है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए और हम लोगों ने ये फैसले पे अमल किया। कांग्रेस अपना फैसला करती है, शिवसेना अपना फैसला करती है, लेकिन ठीक है, एक शुरुआत है। 2024 में एक बड़ा विकल्प बनेगा, हम इसके लिए आशावाद हैं। अच्छा, समीर वानखेड़े को लेकर आप काफ़ी मुखर रहे हैं हमेशा से, और आज एक मामला भी आया है कि उनके ऊपर वो जानकारी छुपा के बार का लाइसेंस लेकर चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी? मैंने भी देखा है, कोई FIR उन पर दर्ज हुई है। जिस तरह से चीज़ें हमने रखी थी सारी चीज़ें सामने आ रही, मामला न्यायालय में भी है, बहुत सारी एजेंसियाँ जाँच कर रही है। हमने जो भी बात कही वो तथ्य के आधार पर थी और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अच्छा, अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जो है कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव के साथ एक फ़ोटो साझा की थी और जिसे फांसी की सजा हुई है सैफ उनके पिता की फ़ोटो बताई जा रही है, ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, देखिए ये IT सेल का मॉफ तस्वीरें तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी बताए कि मोदी जी बिना बताए पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ के घर, परवेज मुशर्रफ नहीं, वो उस समय के नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने क्यों चले गए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि मोदी जी के शपथ विधि में नवाज शरीफ क्यों आए थे। भारतीय जनता ये पार्टी ये बताए कि मौलाना फजलुर रहमान जो विपक्ष के नेता थे, जो उग्रवादियों के समर्थक रहे, वो झंडे वाला में RSS के कार्यालय में बंद कमरों में 8 घंटे क्या मीटिंग कर रहे थे। संघ परिवार का मौलाना फजलुर रहमान से क्या संबंध है। भारतीय जनता पार्टी को इस सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हमें लगता है जब चुनाव आते हैं तो IT सेल झूठी तस्वीरें तैयार करके माहौल खराब करने का काम करती है। यही छटपटाहट है कि चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, या भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हों, जिस तरह से गलत बयानबाजी, जिस तरह से भाषा बिगड़ रही है, ये हार की छटपटाहट है जिसके कारण इस तरह की बयानबाजी, झूठी तस्वीरें लोगों में सर्कुलेट करना, हमें लगता है जो चुनाव को पोलराइज करने का काम BJP करना चाहती है, इन सारी चीज़ों से उठकर किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो खेल भारतीय जनता पार्टी आज तक खेलती आई, हमें लगता है उसके जो भी असरात हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उसी के कारण ये सारी हरकतें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ममता जी ने जो है समर्थन दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री है, वो आके जा चुकी हैं यहाँ से, पवार जी भी आएंगे, उनका अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप कार्यक्रम की समय दें, हम लोग कार्यक्रम लगाएंगे। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी कहेगी तो निश्चित रूप से पवार साहब उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए आएंगे।